हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल मैं हूं आपका एजुकेटर मिश्रा और यहां पर लेके आए बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए जी हां जो कि 12 मार्च के दिन इंग्लिश का पेपर है उसके लिए यहां पे पेपर लेके आए हैं ये पेपर भाई साहब पूरा तैयार कर लो यार पूरा आप हल कर लीजिए मुझे पता है आपका सपना है सर बोर्ड में पंचानवे परसेंट गेन करने का तो भाई साहब इसके लिए सीओ है ना टेंशन ना लो अब YouTube पर भी हम सर वो चीजें लाइव लेकर आएंगे तो टेंशन नहीं लेना है ठीक है ना धीरे धीरे हम लाइव करना शुरू कर देंगे एक दो दिन में तो आपको चिंता नहीं करना है पहले हम लोग हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं वो पढ़ा देंगे जो आपको हिंदी के टॉपिक मतलब कि पैसा देखें पड़ते क्रैश कोर्स वो मैं क्रैश कोर्स आपका फ्री में यूट्यूब पर करवा दूंगा आप चिंता मत करिएगा ठीक है ना लाइव हम लेकर आएंगे साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अभी हम बताते हैं सर ये ऑफिशियल कैसे क्या है क्या नहीं सारी जानकारी देते हैं और एक चीज और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है दिया हुआ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पैंतालीस हजार से ज्यादा बच्चे वहां से अपना टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं और एक चीज और आपके लिए मैं लाया हूं सर महाभारत जी हाँ भाई साहब एकदम जहर वाला एकदम तगड़ा वाला महाभारत बैच जी हाँ ये जो सर बैच है महाभारत बैच है। अपने आप में सर इसकी बहुत बड़ी खास बात है अच्छा सर इसकी खास बात क्या है सर महाभारत बैच की खास बात क्या है पहली बात तो सर मैं इसमें लाइव मैं लाइव आने वाला आपका पेपर करवाता हूं सिलेक्टेड पेपर सिलेक्टेड पेपर सर दस से बारह पेपर पढ़ेंगे हिंदी है सब शब्दी तोड़ देंगे सौ में सौ इंग्लिश है सौ में सौ बस दस से बारह सेट मैं दूंगा एकदम छपने वाला सर

ऑप्शन आएगा जैसे बाय बाई ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो क्यू आर कोड क्यू आर कोड के माध्यम से किसी और मोबाइल से, हो जाएं, हो से करना चाहते तो रुपए में क्योंकि भाई साहब मैं वो पेपर वहां सिलेक्टेड और उसका पीडीएफ दे दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड में सर जी छपने वाला है मैं सारा एकदम कंटेंट सर आपका मैं पूरी सिलेबस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पूरी सिलेबस का नोट्स

तो ये यूपीएमएसपी पर मिलेगा यूपीएमएसपी पर मिलेगा यूपीएमएसपी पर, पर मिलेगा सर कैसे ये 2024 25 का मॉडल पेपर हुआ मैं आपको बता बसरते ये तो है 2023 और 24 का लेकिन सर ये 2024 25 का भी हो सकता है क्योंकि तो यूपी बोर्ड क्या करता है जब भी कोई भी परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाता सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाता तो वो सेम टू तो सेम उसी मॉडल पेपर को यूपी बोर्ड जो है अपलोड कर देता है इस बार ना किसी पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है ना कोई भी आप देखेंगे सिलेबस में कटौती की गई है जो पिछले साल था सेम टू तो सेम इस बार है तो आपका मॉडल पेपर भाई साहब सेम टू तो सेम होने वाला है देन आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए आप लोग डिमांड थी सर मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का तो भाई साहब लो यार क्यों आप उसका इंतजार कर रहे हो वैसे सर मैं महाभारत बैच जो लॉन्च किया उसमें हर चीज का करा दे रहे हैं ठीक है ना और यूट्यूब पे भाई साहब तगड़ी मैं तैयारी करवा रहा हूँ ठीक है ना लेकिन महाभारत बैच के अंदर आपको पीडीएफ वीडीएफ सब मैं दे दे रहा हूँ पीडीएफ पी का पीडीएफ सॉल्व पेपर सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ तो टेंशन नहीं लेना महाभारत बैच के अंदर ठीक है ना जाइए ज्वाइन कर लीजिए और ये आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा आपकी डिमांड रही कमेंट बॉक्स में आंसर आ तो हम इसका सॉल्व कराएंगे क्योंकि आप लोगों का हिंदी का कमेंट है सर जी इसको सॉल्व कराइए हम उसको सॉल्व करा देंगे हिंदी का आपका पूरा पूरा पेपर तीन घंटे पंद्रह मिनट का समय रहेगा सौ नंबर का पूर्णांक रहेगा पास होने के लिए तैतीस नंबर सर चाहिए तैतीस नंबर सर आपको लाना भी है तैंतीस नंबर सर आपको लाना भी है याद रखिएगा रखियेगा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है द फर्स्ट फिफ्टीन मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर आर क्वेश्चन कंपल्सरी मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपका सेक्शन ए रहेगा रीडिंग भाई साहब हम कहेंगे सर फर्जी का दिमाग यूज नहीं करते इसमें रीडिंग में कोई फर्जी दिमाग नहीं यूज करना है मैं आपको ट्रिक और टिप्स के द्वारा ये रीडिंग करवा दूंगा रटना ही नहीं सर हाउ कैसे सर ये पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है कुछ नहीं करना रहता आपको केवल यही आपको पढ़ना है और इसी से निकाल के आंसर देना है जैसे यहाँ पे है वाट चेंज इन दिडेस्ट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजुअल नाउ डेज अब जहां पे आप इंडियन यूथ इन इज विजुअल नाउडेज दिखेगा वही इसका क्या हो जाएगा सर एंसर हो जाएगा ऊपर चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे है आपका यहाँ पे है देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है द शिफ्ट इन द मिडिस्ट ऑफ इंडिया यंगर जनरेशन इज क्यूट विजिबल इसका ये क्या हो जाएगा आपका एंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे यंगेस्ट भी आया यंगर यंगेस्ट और यहाँ पे विजिबल भी आया और यहाँ पे मिडेस्ट भी आया ठीक ना ट आया है माइंड सेट है मिडिल नहीं, नहीं है माफी चाहते हैं सर यहाँ मिस्टेक हो गया ये क्या है आपका माइंड सेट है व्हाट चेंज इन माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ डेज माफी चाहते हैं मेरा टंग्स मिस्टेक हो गया ये माइंड सेट है ठीक है ना तो ये देखिए माइंड सेट यहाँ पे लाइन में है ना पहला वाला द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज विजिबल देन यार आंसर कुछ भी अलग से नहीं करना है तो ये मैं आपको ट्रिक के द्वारा सोल्व सॉल्व करवा दूंगा ये सब आप उंगलियों पे कर सकते हैं हालांकि अगर आप करना है तो इसको कर लीजिए मैं बता दे रहा हूँ दूसरा यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रेजेंट एंड चिल्ड्रेन अगला यहाँ पे हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड फिर व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू दियर कल्चर रूट एंड फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड का फिर फ्रेज इन द पैसेज मीन्स वार्निंग साइन का और फिर यहां इज अपोजिट टू का अपोजिट क्या हो जाएगा उसके बाद आपका राइटिंग आएगा राइटिंग में दो आएंगे आपका एक, -एक आएगा आर्टिकल और दूसरा आएगा लेटर एक आएगा आर्टिकल दूसरा क्या आएगा सर लेटर आएगा तो ये आपके दस दस नंबर के हैं सर कित नंबर के हैं सर दस दस नंबर के हैं आप सबसे पहले सर सेक्शन बी राइटिंग है राइटिंग देखेंगे यहाँ पे राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखना है सर तीन आर्टिकल है डिजिटल इंडिया ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ऑफ एक्सप्रेस है राइट रिलेटेड टू दिटर ऑफ ए नेशनल डेली न्यूज पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यू ऑन ग्रोविंग फिटनेस

तरीका है या तो भैया तुक्का ठोक दो या तो पूरा आप ग्रामर तैयार कर लो बीच वाला कोई भी इसमें तरीका नहीं है पहली बात इसमें या तो आप तुक्का ठोक दो एग्जामिनर चाचा भाई अगर रहा तो तक तो, तुक्का तो, 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 में चांसेस होते सही होने का नहीं तो पूरा पढ़ के आप लोग इसका राइट right आंसर दो ठीक तो यहाँ पे है चूज द एंसर करेक्ट ऑप्शन टू एंसर क्वेश्चन पहला है यहाँ पे सबसे क्या कहलाती है आप चार ऑप्शन है मोनारची पटारची या मटराची उसके बाद यहाँ पे द इंचिंग क्या हो जाएगा चार ऑप्शन है सब मैं सॉल्व करा दूंगा इसका उसके बाद यहाँ पे आपका द सिनोनिम्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएगा देखिए यहाँ पे ये सिनोनिम्स है और नीचे देखिए यहाँ पे क्या है एंटोनिम्स है और फिर आपको एक करेक्ट करने के लिए आएगा ये मैं आपको टॉपिक हालांकि आप टॉपिक पढ़िए यही मत रटिए ये मत रटिए इसमें आप टॉपिक रटिए जैसे कि एंटोनि जितने भी एंटोनिम्स एंटोनिंग पढ़ लीजिए जितने भी सोने न्यूज से पढ़ लीजिए ठीक है ना करेक्ट करने वाले पढ़ लीजिए तो इसमें ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको मत करिएगा हालांकि आप इसको याद कर सकते हैं ये ये जो है आपका ये ये आर्टिकल और ये आपका लेटर ये भाई साहब आप याद कर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक ना उसके बाद ये चले आएंगे नीचे आएगा आपका आप यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीड में चेंज करना है आई से डोंट वेस्ट यूर टाइम

टल आर ग्रेजिंग यहाँ पे है दूस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ योर वर्ड इन योर योर आउन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर मेल और मेल और ये थीम और ये टीम ये टीम है ये टीम है देखिये ये मेल है ये मेल ये मेल मतलब जो हम मैसेज भेजते हैं और ये मेल मतलब कोई भी क्या होता है लड़का होता है एक टीम होता है एक टीम एक टीम मतलब जो खिलाड़ी वाली टीम होती है तो इसको करना है फिर यहाँ पे आएगा आपका पैसेज पैसेज आपको तभी आएगा जब आपका क्या आता रहेगा सर जी इंग्लिश ग्रामर क्या आता रहेगा इंग्लिश ग्रामर तभी पैसेज कर पाएंगे नहीं तो व्हाट्सएप भाषा वाला अब व्हाट्सएप भाषा आपको पता होगा सर कैसे लिखते हैं वही लिख के आना लेकिन आप छोड़ना मत मैं तो यही कहूंगा सर छोड़ना मत आने वाली वीडियोस में सर हम आपको बताएंगे कैसे आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना है कैसे पास करना है ये सारी चीजें आपको हम डिस्कशन कराएंगे आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा लेकिन एक चीज और है महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए वहां पे मैं लाइव आपको पढ़ाता हूँ लाइव में सॉल्व करा रहा हूँ आने वाला पेपर दो सेट पेपर खत्म हो चुका है बच्चे हैं दस बच्चे हैं आठ वो भी कम रहेंगे यार वो तो देखने के ऊपर है कितना सेट लेते हैं हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहे हैं दस बारह मिनिमम जितने में काम हो जाएगा उतना ही सेट देंगे उससे बाहर सर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है ये गारंटी सीएम दे रहा है देखिए महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए लीजिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ सिलेबस सब कुछ दे दिए हैं यार बाकी मैं तो आपको कंटेंट आने वाला दे ही रहा हूँ एक्स्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपको ट्रांसलेट करने के लिए आएगा फिर यहाँ पे लिटरेचर आएगा इनको तो याद कर लो भैया इनको तो आप जरूर तैयार कर लो यहाँ पे लिटरेचर से क्वेश्चन नंबर सात है एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट चालीस शब्दों में यहाँ पे लिखना है पहला यहाँ पे हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी वट डू दे डू फॉर देवाइवल ये नहीं आ रहा है तो आप तो ये सॉल्व कर सकते हैं हु वाज राजकुमार शुक्ला व्हाट डिड धीजी टू चंपारण ये सब तो आप भाई तैयारी कर लो अगला यहाँ पे बी वाला वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू दी ऑफ फ्रेंच ये नहीं आ रहा तो, तो हम ये कर सकते वाई वॉसमिन स्टूडियो ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट उसके बाद ये आपका लॉन्ग वाला है भैया लॉन्ग वाला है यहाँ पे क्या यहाँ पे लॉन्ग वाला एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अस्सी शब्दों देना है ऑल वी है बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर और यहाँ पे है सोफिया वॉल द करे क्रिएटर ऑफ हर ऑन डिसमेंट डू यू एग्री गिव ए रीजन फॉर योर एंसर और फिर यहाँ पे नो वाला आएगा ये तो आपका एक्सट्रैक्ट आएगा भैया एंड द ओल्ड फैमिलियर आची से लेकर कहां तक यहाँ तक है इसमाइल तक है तो ये आपका सेम टू तो सेम आपका पैसेज पे रहेगा मैं इसको करवा दूंगा आप चिंता मत करिएगा यहाँ तीन चीज आएगा कि तीन क्वेश्चन आएगा व्हाट इज दैट है व्हाट इज द एंड फीलिंग एंड हर वर्ड्स एंड व्हाट डिड द पोएट कीप ऑन स्पाइनिंग ओनली उसके बाद सेंट्रल आइडिया रट लो भैया मैंने करवा भी दिया है सेंट्रल आइडिया वीडियो डाल दिया देख लीजिएगा मैंने तीनों सेंट्रल आइडिया सॉल्व कराया है कीपिंग ए ऑफ ब्यूटी द रोड साइड स्टैंड इसमें से सर आप ये keeping, keeping quit, beauty, ये कीपिंग ए ऑफ ब्यूटी और मदर एट तीन तैयार कर लो एक फंस जाएगा मैं चैलेंज करता हूं उससे बाहर आएगा ही नहीं उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन है एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वही आपका चालीस शब्दों लिखना है वाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोन ऑन ऑन द अदर लेवल अथवा यह कर सकते डिस्क्राइब द डिस्क्राइबल फीचर ऑफ अंटार्डिका फिर यहाँ पे भी वाला है हाउ वाज़ द महाराजा डिसाइड टू तो सफर द लॉस एंड ऑफ अलाउिंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विथ द हंटेड टाइगर ये नहीं आ रहा हम ये कर सकते हाउ वामा इंस्पायर इंस्पायर्ड बाई हर इल्डर ब्रदर फिर यहाँ पे बारह वाला है आपको लॉन्ग में लिखना रहेगा सर जी अस्सी शब्दों में क्या यहाँ पेरी क्लोज क्लोजर टू मिस्टर हैम एंड पे है ऑफ सैडो एंड एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन ब्रिंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एने बस यही आपको करना है और आपको कुछ नहीं करना है सर जी जो मैंने आपको दिया ये यूपी बोर्ड का ऑफिसियल है सर जी इसमें कोई हमने कुछ छिड़खानी नहीं किया है ठीक है ऐसा नहीं मैं कुछ भी आपको डिलीवर कर दिया हूँ यहाँ पे तो इसको एक बार देख लीजिएगा भाई सॉल्व कर लीजिएगा कुछ चीजें जो ट्रिक से हो जाए तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाए क्योंकि अब टाइम बहुत कम है आपके पास टाइम नहीं सर सफिशियंट टाइम में सर हमें अच्छा नंबर गेन करना है जो हमारे सर बोर्ड एग्जाम में आए सर हमें उसे ही पढ़ना है क्योंकि एक दो महीने में सर अगर आप सिलेबस करने बैठेंगे तो तैयार नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ अगर आपको नोट्स मिल जाए और एक घंटे में एक चैप्टर एकदम धुआं धुआं हो जाए तो सर उसके लिए है क्या है सर जी हमारे पास महाभारत बैच का सोल्यूशन आप कम टाइम में सर ज्यादा स्कोर करेंगे और हम वो वहां पे पेपर पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड में छपने वाला है आप सर ये जाइए ज्वाइन करिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंग्लिश के ऐसे तगड़े वाले वहां पे सर मैं आपको कंटेंट पेपर पीडीएफ दूंगा कि उस पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ये सीएम चैलेंज करता है और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा हर चीज का तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करिए एक सौ एक कुछ नहीं है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है एप्लीकेशन का कुछ नहीं करना गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एसके मिश्री एप्लीकेशन को और ज्वाइन करना है महाभारत बैच ओके दोस्तों थैंक यू जॉन टेक केयर बाय बाय